वारिस पंजाब दे दी मुखी अमृतपाल सिंह दी इलीगल डिटेंशन नू लेके आज जिहड़ा पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सुनवाई हुई, जिथे कि हाई कोर्ट दे विच अमृतपाल दे वकील नू कोर्ट ने कहा कि जेकर तुहानू लगदा है कि इलीगल डिटेंशन है यानी कि नजायज़ तौर पर रखा गया है तो तुसीं सबूत पेश करो, असी वारंट ऑफिसर लगा देंगे। इस तो इलावा एफिडेविट भी जिहड़ी है वह दाखिल करन दे लई कहा है कि आखिर तुहाडे कोल की सबूत है कि अमृतपाल नू जिहड़ा है पंजाब पुलिस ने इलीगली डिटेन किया होया है। तो दूजे पासे पंजाब सरकार ने एक वड्डा दावा किया है जिथे उन्होंने कहा है कि असी अमृतपाल नू फड़न दे बेहद ही ज़्यादा नज़दीक है। दरअसल पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने यह जिहड़ी जानकारी है पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट नू दित्ती है। हुण इस पूरे मामले दे विच देखना होवेगा कि आगे की कुछ रहिंदा है, कि एफिडेविट जिहड़ा है अमृतपाल दे वकील फाइल करदे हैं, ते जेकर दावा पंजाब सरकार ने किया है ते किस बिहाफ ते किया है, क्योंकि फिलहाल जिहड़ी जानकारियां मिल पा रही हैं उस विच कुछ भी जिहड़ा है ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि सरकार वल्लों फिलहाल कोई भी अजिही जानकारी सामने नहीं आई है। पंजाब पुलिस दे किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है कि जिहड़ी तस्वीरां जिहड़ी वायरल वीडियो सामने आ रही है उस विच कितनी सच्चाई है या फिर नहीं। तो सुनवाई हुई सी पहला पंजाबी कर दे आज सर, जो सुनवाई हुई सी माननीय हाई कोर्ट दे विच ते जो पंजाब सरकार वाले पासों जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए सी ते जो एमिकस क्यूरी जज साहब ने जिन्हां दी ड्यूटी लाई सी तनु बेदी मैम जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट हुंदे ने उह पेश हुए सी ते मैं बीइंग द पटिशनर ते मेरे जो वकील साहब ने एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग उह पेश हुए सी, तो उत्थे जो एडवोकेट जनरल साहब ने गल रखी भी जो भाई अमृतपाल सिंह दी अरैसट नहीं हुई है जी, तो उन्होंने यह भी गल रखी भी जो साडियां एजेंसियां दे नाल जो पूरा कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो उस तो बाद चो जज साहब ने कहा भी तुसीं एफीडेविट दे उपर गल रखो, तो सानू भी कहा भी असी जिवें जो साडी पटिशन विच ग्राउंड है भी भाई अमृतपाल सिंह पुलिस दी गिरफ्त विच ने ते असी भी आपदा एफीडेविट दईए, तो उस नाल जिन्ना भी साडा जो सपोर्टिंग एविडेंस है वह सपोर्टिंग एविडेंस भी असी एक एप्लीकेशन ला के जो माननीय अदालत अगे रखांगे, ते जो कल नू इस केस दी जो अगली सुनवाई रखी है जी 29 मार्च नू नहीं सर, हमने आज जो असी जो आपकी एप्लीकेशन लानी है ते कल नू डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जी। हिंदी कर लिए, हिंदी में खरा साहब ये बताएं कि आज कोर्ट में क्या हुआ है, सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तनु बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी है फ्रेंड ऑफ कोर्ट है जिन्होंने जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था वो पेश हुए थे, और मैं इस केस में पटिशनर हूँ बींग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने ये एडवोकेट जनरल साहब ने बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो, तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफी नजदीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें, जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है NSA लगे हैं उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लीगल पैरवी है सारी वारिस पंजाब से जथेबंदी करेगी, वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी सारा जायजा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली हैं असम में वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई, और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में इलीगल कस्टडी में रखा था उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है
और वारिस पंजाब दे करी। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने रिलीज कर दिया है उनको। नहीं, काफी काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर हैं, काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था। तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए, तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। देखो ये हम पूरा पूरा मुझे इस चीज की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको ये ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं, और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसी सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था, उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है। तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूंगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी। भाई साहब, AG ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक हैं, हाँ जी उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है, AG साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहां पर भी हम जो नजदीक है, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफी नजदीक हैं। अच्छा, यदि पुलिस जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि वो, आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से अप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही ये पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूं कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई और कोई एविडेंस है नहीं का, जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो इसी प्रोपेगेंडा के तहत, ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट की। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे का नाम ले रहे हैं आप, लेकिन नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम है, 100-150 गाड़ियों का काफिला था, मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं, अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ लाइक कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। वारिस पंजाब दे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम का, अमृतपाल की पॉपुलैरिटी को कैश करने के लिए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मुझे मालूम है मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह नियामी वाला है और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनो है,
उनके पास उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का, और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं मुझे उस चीज का कुछ नहीं पता है। नहीं, जो जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरिनौ और सुखराज सिंह के बैबल साहब मोर्चा में मैंने देखे हैं, इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है ये दीप सिद्धू की है, दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी, रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। तो डिनाई कर रहा है, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है, और इस चीज की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस तरह जी के मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास से पहली बार गल होगी कि बंदे डिटेन किए उनके वकीलों को मिलने की इजाजत लेनी पड़े। यह कदी नहीं होया कि वकीलों नू रेट रिटा फाइल करनिया पैन भी सानू जिहड़ा हैगा मुलजमान नू मिलन दिता जावे। मैं अपने 36 साल विच इन्ने टाडा दे केस किते, पोटा दे किते, यूआपा दे किते, एनएसए दे किते, कदी भी नहीं होया कि वकीलों नू ना मिलन दिता जावे। 2500 किलोमीटर दूर बंदियां नू जेल सुट दिता गया, जिन्हां जेल दे अगर सी फोन नंबर ऑनलाइन सी चेक करोगे वो फोन नंबर भी नहीं एग्जिस्ट करते, चलते ही नहीं, ना आई जी का चलता है ना जेल का चलता है। ईमेल्स पाते हो, ईमेल का कोई जवाब नहीं देता। सो अज जी असी पटीशन दायर की थी गुरु गुरी ओजले वालों, उसके भरा ने दायर की थी भी जब तक उन्होंने चुकया तो ना तो मिलाया ना सानू किसी ने दसिया कि बंदा कितने बंद है कितने नहीं है। हुण तुसीं दसदे हो भी एनएसए बंद है ना, असीं वकीलों को मिलने की इजाजत दे रहे हो। हुण जिहड़ा एनएसए एक्ट है बड़ा एक यूनीक एक्ट है, उसदे हरेक चीज़ टाइम बाउंड होनी चाहिए है। हुण टाइम बाउंड जिहड़ी चीज़ है तां ही हो सकती है जे वकील जाके मिलन। हुण वकीलों नूं तुसीं मिलन नहीं देंदे ते ना ना उन्हें रिप्रजेंटेशन देने का कोई मौका है। सो एक तरीके नाल ना कोई अपील ना कोई दलील, तो बड़ी हासोहीनी गल है। सरकार किस तरीके 2500 किलोमीटर दूर बंदियां नूं भेज के यह कहती भी वकील भी ना मिलन। सो उहदे च अज 10 तरीक वास्ते नोटिस कर दिता है, जस्टिस मंजरी नहरू दे केस लग्या सीगा ते 10 तरीक नूं उहदी सुनवाई होएगी। देखो इस तरह कि मेरा वो केस नहीं है, पर अदालत ने यह किया है भी एडवोकेट जनरल का बयान है भी इलीगल कस्टडी नहीं है। तुहाडे कोल कोई सबूत हैगा तो एफीडेविट ते लगाओ, एफीडेविट ते लगाओगे मैं कंसीडर कर लांगा। सो वो जिहड़ा कल अपना पेश करनगे, जे कोई सबूत हैगे ते अदालत देख लेगी उस गल। हाँ, रिप्लाई में सिर्फ एक केस में पार्टी है जहाँ एक डेटिनू की धर्मपत्नी ने याचिका दायर की है कि उनके पति को प्रोड्यूस किया जाए, इलीगल डिटेंशन है, डिटेंशन ऑर्डर वगैरह दिया जाए। उस केस में अदालत ने हमको 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उसके अंदर उन्होंने पार्टी बनाई है। 10 अप्रैल तक हम रिप्लाई फाइल करेंगे। सिर्फ एक केस में हम पार्टी हैं, जो बाकी सारे 3-4 केसेस हैं उसमें भारत सरकार पार्टी नहीं है। उसमें कुछ कल पे रखे हैं जिन पर पंजाब सरकार रिप्लाई फाइल करेगी, और किसी एक केस में पंजाब सरकार को भी 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कल के। दलजीत सिंह कलसी वाला केस है वो बता पाएंगे? 2-3 केस हैं। दलजीत सिंह कलसी वाला केस है, इसमें क्या कहा गया? जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि उनके जो संबंधी हैं या उनके जो मित्र हैं वो इलीगल कस्टडी में हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके संबंध में उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कल अपना जवाब फाइल करेगी। हाईकोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन भी है कि अगर पुलिस कस्टडी में कोई है तो जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता के वकील वो हाईकोर्ट को बताएं कि कोई प्रूफ है तो हाईकोर्ट जो है इंक्वायरी भी मांग करेगा। लेकिन देखिए एक बात आप समझ लीजिए, हैबियस कॉर्पस पिटिशन का मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस पिटिशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी पुलिस स्टेशन में, किसी ऑफिस में, किसी घर में इलीगली डिटेन किया गया है, और हाईकोर्ट आपको अपना वारंट ऑफिसर भेज के ये बताए कि वहां जाए, चेक करे और उस बंदे को रिलीज करे। तो हाईकोर्ट बार बार पूछ रहा है, वो यही पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि आपके मुताबिक वो कहाँ पे है? जगराओं में है, लुधियाना में है, अमृतसर में है, जहां आप कहोगे वहीं तो वारंट ऑफिसर जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वारंट ऑफिस लेके वो सारे उसमें घूमता जाए। तो आज ये हाईकोर्ट ने उनके दूसरे वकीलों को ये भी कहा है कि आप इस संबंध में जो भी आपके पास एविडेंस है, मटेरियल है, वगैरह वो रिकॉर्ड पे लाते हैं तो अदालत उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी।